हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना सैमी और सैमी द ढाबा चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अंडे की एक डिफरेंट टाइप की रेसिपी जो बनाने में भी बहुत इजी है और आपको बहुत ही पसंद भी आएगी। तो इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलो रेसिपी को देखने के लिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इस टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन के अंदर अंडों को तोड़ लेंगे। हमने यहाँ पे 3 अंडों का प्रयोग किया है। अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा अंडों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इन अंडों में सबसे पहले मिला लेंगे हम हमारी कटी हुई हरी मिर्च, ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने से इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी। अब इन सबको आपस में काफ़ी अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे। तो इसको काफ़ी अच्छे से फेंट लेना है ताकि हमारी हरी मिर्च, धनिया और मसालों का जो फ्लेवर है अंडों में पूरी तरीके से समा जाए। तो हमने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से फैट लिया है। अब हमने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया स्टील की। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून के करीब ऑयल डाल के इसको चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे प्लेट में। अब प्लेट की जगह किसी मोल्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हमारे अंडे का मिश्रण। अब एक पैन के अंदर हमने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है और इसके अंदर स्टैंड फिट कर लिया है और इस प्लेट को रख देंगे इसके ऊपर और इसको ढक्कन से ढक के स्टीम के अंदर कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए आपको इसको पकाना है ताकि हमारे अंडे का जो मिश्रण है वो अच्छी तरीके से पक जाए और एक आकार ले ले। तो हमने 7 से 8 मिनट इसको पका दिया है। अब हम ढक्कन हटा के देख लेंगे। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से पक चुका है। देखिए काफ़ी फ्लफी भी हो गया है। अब हमारा जो मिश्रण है जो पक चुका है इसको हम प्लेट को उल्टा करके इसमें से बाहर निकाल लेंगे। हमने प्लेट में पहले ही इसलिए ऑयल लगा दिया था ताकि पकते वक्त अंडा इसमें चिपके ना, पकने के बाद ये आसानी से बर्तन से अलग हो सके। अब इसको हम एक नाइफ की सहायता से पनीर की डाइस की तरह कटिंग कर लेंगे और इस सच में पक के इसने एक पनीर का ही आकार ले लिया है। पनीर की तरह ही सॉफ्ट बना है। आप देख सकते हैं हमारे अंडे के जो पीसीज है एकदम बिल्कुल पनीर के पीसीज की तरह सॉफ्ट और फ्लफी हो चुके हैं। अब इसको हम डाइस शेप में कटिंग करके एक प्लेट में निकाल लेंगे और तैयारी करते हैं इसकी ग्रेवी बनाने की। एक पैन के अंदर हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। इसमें डाल देंगे सबसे पहले हम तेज पत्ता, काली मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसको अच्छे से पका लेंगे। इसमें हम डाल देंगे हमारी बारीक कटी हुई प्याज। अब इसको अच्छे से मिक्स करके प्याज को हल्का भूरा होने तक पकाना है। तीन से चार मिनट तक प्याज को भून लिया। अब हमारी जो प्याज है वो हल्की भूरी होने लगी है, आप देख सकते हैं। अब हम हमारी प्याज में सबसे पहले मिला देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब इसको अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे और इसको धीमी आंच पर भून लेंगे। देख सकते हैं 1 से 2 मिनट तक भूनने के बाद मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें मिला देंगे हम कटे हुए टमाटर। इसको भी अच्छे से चला के पका लेंगे।
अरे टमाटर में मसाला अच्छे से मिल चुका है, अब इसमें मिला लेंगे छोटी कटोरी पानी। और इसको ढक्कन से ढककर कम से कम आपको 7 से 8 मिनट तक के लिए पकाना है। 7 से 8 मिनट तक पकाने के बाद हम ढक्कन हटा देंगे और इसको अच्छे से पलटे से एक बार चला लेंगे। देख सकते हैं हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। हमारे जो टमाटर प्याज है अच्छे तरीके से भून गए हैं, अब मसालों ने भी तेल छोड़ दिया है। हमारी ग्रेवी जो है अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें मिला देंगे अंडे जिनको हमने पहले से ही डाइस शेप में काट के रख दिया था। अब इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि हमारे जो अंडे उसके ऊपर अच्छे से ग्रेवी लिपट सके। तो अब मिला देंगे इस पर थोड़ा सा गरम मसाला। एक बार अच्छे से मसाले को मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं कि हमारे अंडे की जो रेसिपी है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हरा धनिया डाल के इसको गरम गरम सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। More video and update, please subscribe, like and share my channel.